आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक खुरदरे आनत तल पर चित्रानुसार रखा गया है। गुटके पर 3 न्यूटन का बल लगाते हैं तो गुटके तथा आनत तल के बीच स्थित घर्षण गुणांक जो है वो 0.6 है, तो बल पी का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि गुटका नीचे की ओर गति ना करे, है ना। तो जिसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं, ये हमारे पास में अ, ये हमारे पास में ब, ये हमारे पास में स और ये हमारे पास में बच्चों द। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए वस्तु रेखा चित्र बनाते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, अगर इस पर इधर की तरफ में लग रहा है तो कितना लग रहा है एम जी, हमने अभी इसको मान लेते हैं एम है, तो इसके दो घटक ले लेते हैं। दो घटक किस किस दिशा में, एक तो आएगा इसके लंबवत दिशा में ऐसे करके, ये कितना आ जाएगा एम जी कॉस और थीटा ई, भाई ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, तो ये कॉस 45 डिग्री है ना। और इधर की तरफ में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, अच्छे से लिखते हैं, इधर की तरफ में जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में एम जी साइन 45 डिग्री, है ना। ये आ गया ऊपर की तरफ में पी, ये नीचे ना गिरे इसके लिए जो है इस पर जो घर्षण लगेगा वो घर्षण भी किधर लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ लगेगा। ये लगेगा मेरे पास में एफ आर बराबर कितना होता है, वो होता है हमारे पास में म्यू इंटू एन, है ना। वो ध्यान से देखिए बच्चों, एन जो हो जाएगा वो एन ये रहा, तो एन किसके बराबर है, एन बराबर जो है हमारा वो है एम जी कॉस 45 डिग्री के बराबर है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो इसका मान हो जाएगा ये कितना हो जाएगा म्यू एम जी कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सभी के मान लिख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या चीजें आ रही है, एक तो ध्यान से देखिए बच्चों, एन बराबर एम जी कॉस 45, ये तो एक समीकरण आ गई। इसके अलावा दूसरी समीकरण क्या आ रही है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है बच्चों, इधर नीचे की तरफ ये लग रहा है 3 प्लस एम जी साइन 45, है ना, बराबर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा एफ आर प्लस पी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबके मान रखते हैं, ये है मेरे पास में 3 प्लस एम जी साइन 45, इसको अभी का ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, और एफ आर का कितना हो जाता है, वो हो जाता है म्यू एम जी कॉस 45 और प्लस कितना हो जाएगा पी। चलिए अब सबके मान रखते हैं, हमें पी का मान निकल के आ जाएगा, आ जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट में एम कितना है हमारे पास में 10, जी कितना है 10 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में म्यू कितना है 0.6 इंटू ये कितना है 10 इंटू ये भी 10 इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2, है ना। तो ध्यान से देखिए, और ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस के पी, इसको जब आगे की तरफ में आप हल करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास में 100/√2, है ना, बराबर ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 0.6 इंटू 100/√2, है ना, और ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस के पी। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको उधर की तरफ में भेज देता हूँ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे पास में आ जाएगा 3 प्लस 100/√2, है ना, और ये इधर की तरफ में आ जाएगा तो माइनस के, ये आ जाएगा 0.6 इंटू 100/√2 और बराबर के कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसके अंदर से 100/√2 कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास में 3 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास में 100/√2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बच जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 0.6 ये बराबर पी आ जाएगा मेरे पास में। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो 3 प्लस 100/√2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास में बच्चों 0.4, कितना आ जाएगा 0.4 बराबर पी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप इसको हल करेंगे तो इसको हल करने का एक सीधा सीधा तरीका होता है, 100/√2 इंटू 0.4 है ना, इसको √2 और √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये पी आ जाएगा। और इसके बाद में जो जैसे ही आप इसको आगे की तरफ में हल करेंगे तो मेरे पास में जो मान आ जाएगा वो 3 प्लस ये देखिए ध्यान से √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ने इसको 50 बार काट दिया है ना, और 50 इंटू 0.4 करेंगे तो 50 इंटू 0.4 यानी कि 4/10 करेंगे तो ये मेरे पास में 5 बार कट गया यानी कि ये 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास में आ जाएगा 20√2 आ जाएगा, ये बराबर पी आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेरे पास में आ जाएगा 3 प्लस 20 और 20 और इंटू इसका कितना मान होता है 1.414 होता है, ये बराबर पी आ गया। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3 प्लस 20 से इसको गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगा 28 है ना, 10 से गुणा करेंगे तो 14.14 आ जाएगा, उसको गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि जो इसका लगभग मान जो आ जाएगा मेरे पास में वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों 28.28 आ जाएगा, है ना, बराबर पी आ जाएगा। और इस जो पी का मान जो आ जाएगा यहाँ से मेरे पास में वो लगभग बराबर आ जाएगा 31.28 के बराबर आ जाएगा न्यूटन के बराबर, जो कि लगभग बराबर है हमारे 32 न्यूटन के। यही बच्चों हमारा
उत्तर है। तो चलिए हमारे विकल्पों में देखते हैं, हमारे विकल्पों में जो अ है वो एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।